छह दिनों में टाइगर 3 वर्ल्ड वाइड 330 करोड़ की कमाई कर ली है। फिर भी बॉलीवुड के हेटर्स बॉयकॉट वाले कह रहे हैं कि टाइगर 3 डिजास्टर हो चुका है। क्या सचमुच डिजास्टर हो चुका है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सही फूल आपको वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे टाइगर 3 के 6 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, बात करेंगे इंडिया रेड कलेक्शन के बारे में और बात करेंगे ऑक्युपेंसी के बारे में। क्या चल रहा है दोस्तों? सचमुच क्या टाइगर 3 डिजास्टर हो चुका है? दोस्तों, मैं आपको बताने चलूँ कि टाइगर 3 अपने हाइस्ट ग्रोसिंग मूवी दिया है सलमान खान के करियर का, क्योंकि सलमान खान इससे पहले 6 दिनों में किसी भी मूवी में 300 करोड़ के ऊपर कमाई नहीं कर पाए, जैसे सलमान खान टाइगर 3 से किया है। दोस्तों, सलमान खान के करियर का फास्टेस्ट 200 करोड़ नेट कलेक्शन करने वाला मूवी बन जाता है टाइगर 3। इससे पहले सलमान खान का करियर का किसी भी मूवी 6 दिनों में 200 करोड़ के ऊपर नेट कलेक्शन नहीं कर पाया है। इससे पहले टाइगर जिंदा है लगभग 194 करोड़ की कमाई करी थी 6 दिनों में। इससे पहले और एक मूवी किया था जो सुल्तान है, जो इससे पहले 6 दिनों में 193 करोड़ की कमाई इंडिया नेट कलेक्शन किया था। तो टाइगर 3 बन जाता है सलमान खान का करियर का सुपर फास्ट एंड फास्टेस्ट इंटरनेट कलेक्शन करने वाला मूवी। दोस्तों, टाइगर 3 को लेकर चाहने वालों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि पठान जवान देखकर उसको भी लगने लगा था कि टाइगर 3 फास्टेस्ट 1000 करोड़ करेगा, लेकिन टाइगर 3 ऐसा मूवी नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि टाइगर 3 एक स्टोरी बेस्ड मूवी है, जो स्टोरी को ऊपर बेस करके मूवी बनाया गया है, थोड़ा एक्शन भी है, लेकिन आपको टाइगर 3 बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन टाइगर 3 उतना फास्ट तो नहीं जा पाएगा ना पठान जैसा। पठान एक बहुत ही एक्शन फिल्म था, उसमें स्टोरी ना के बराबर था, लेकिन टाइगर 3 एक स्टोरी बेस्ड फिल्म है, ये आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले बॉलीवुड में कौन सा मूवी किया है फास्टेस्ट 330 करोड़ की कमाई 6 दिनों में पठान जवान छोड़ के? किसी भी बॉलीवुड मूवी ने नहीं किया है। ये आप समझो यार, कैसे कह रहे हो कि टाइगर 3 डिजास्टर हो चुका है? कभी नहीं, टाइगर 3 अभी तक 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड 331 करोड़ की कमाई कर ली है। दोस्तों, बात करते हैं इंडिया कलेक्शन कितना किया है। दोस्तों, डे वन में टाइगर 3 44.50 करोड़ की कलेक्शन किया था इंडिया नेट कलेक्शन। डे टू में 60 करोड़ की कलेक्शन किया था इंडिया नेट कलेक्शन। बात करते हैं डे थ्री में इंडिया नेट कलेक्शन किया था 44.30 करोड़ की कमाई किया था। बात करते हैं डे फोर में टाइगर 3 ने कलेक्शन किया था 21 करोड़ 10 लाख रुपये कमाई किया था। दोस्तों, बात करें डे फाइव में टाइगर 3 19 करोड़ की कमाई किया है। अब बात करें डे 6, यानी आज क्या कलेक्शन कर रहे हैं टाइगर 3। दोस्तों, आज टाइगर 3 18 करोड़ की कलेक्शन आराम से कर लेगा, ये तो हंसते कर लेगा, इसमें कोई दौराए नहीं। आज फ्राइडे, आज बहुत सारी जगह छुट्टी भी है, तो टाइगर 3 आराम से 200 करोड़ की कलेक्शन कर लेगा। तो टाइगर 3 का टोटल जो नेट कलेक्शन इंडिया से हुआ है वो 206 करोड़ की कलेक्शन हुआ है, एंड ओवरसीज से ये मूवी 75 करोड़ की कलेक्शन कर ली है। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन क्या है 6 दिनों में टाइगर 3 331 करोड़। तो टाइगर 3 फ्लॉप होने से रहा, क्योंकि टाइगर 3 का बजट ही है 300 करोड़, एंड टाइगर 3 330 करोड़ 6 दिनों में कमाई कर लिया है। टाइगर 3 सलमान खान के करियर का फास्टेस्ट मूवी बन जाता है, जो 6 दिन में 330 करोड़ की कमाई की है। दोस्तों, इससे पहले किसी भी सलमान खान की मूवी इतना फास्टेस्ट 300 करोड़ के ऊपर कमाई नहीं कर पाए। दोस्तों, इससे पहले बॉलीवुड में पठान जवान के बाद टाइगर 3 ही है जो 6 दिन में 300 करोड़ के ऊपर कमाई किया है। दोस्तों, बात करते हैं टाइगर 3 कुछ ऑक्युपेंसी के बारे में, शोकआउट के बारे में क्या चल रहा है। दोस्तों, बात करें दिल्ली एंसर के बारे में, दिल्ली एंसर में दोस्तों 1650 है, जहाँ पे ऑक्युपेंसी चल रहा है 16%। तो आप समझो यार, क्या कह रहे हो, आज वर्किंग डे में ही 16% के ऊपर चल रहा है, फिर भी आप कह रहे हो सिनेमा फ्लॉप हो रहा है, वही नहीं है, क्या कह रहे हो यार, ये सब मत बोलो यार। दोस्तों, बात करें मुंबई के बारे में, मुंबई में दोस्तों 1300 है, इसमें 15% की ऑक्युपेंसी चल रहा है। दोस्तों, बात करें पुणे के बारे में, पुणे में 485 है, जहाँ पे 13% की ऑक्युपेंसी चल रहा है। बात करें बेंगलुरु के बारे में, दोस्तों बेंगलुरु में 600 है, जहाँ पे 10% की ऑक्युपेंसी चल रहा है। दोस्तों, बात करें हैदराबाद के बारे में, दोस्तों हैदराबाद में 450 है, जहाँ पे 18% की ऑक्युपेंसी चल रहा है। दोस्तों, बात करें कलकत्ता के बारे में, दोस्तों कलकत्ता में 464 है, जहाँ पे 20% की ऑक्युपेंसी चल रहा है। दोस्तों, बात करें अहमदाबाद के बारे में, अहमदाबाद में 937 है, जहाँ पे 21% की ऑक्युपेंसी चल रहा है। दोस्तों, अहमदाबाद एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे कोई भी बॉलीवुड मूवी नहीं चलता, पठान जवान किसी मूवी नहीं चला, फिर भी देखो टाइगर 3 कैसे अच्छा बिजनेस कर रहा है, फिर भी आप कह रहे हो टाइगर 3 फ्लॉप हो रहा है, ऐसा मत कह, क्या करो यार। टाइगर 3 6 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पे है, और अभी भी एक महिला चल सकता है बॉक्स ऑफिस पे, बहुत अच्छा कमाई कर रहा है, फिर भी आप ऐसे बात क्या कैसे कर सकते हो यार। दोस्तों, बात करें चेन्नई के बारे में, चेन्नई में 115 है, जहाँ पे 20% की ऑक्युपेंसी चल रही है। बात करें सूरत के बारे में, सूरत में 480 है, जहाँ पे 19% की ऑक्युपेंसी चल रही है। दोस्तों, बात करें चेन्नई के बारे में, चेन्नई में 250 है, जहाँ पे 19% की ऑक्युपेंसी चल रही है। दोस्तों, आज फ्राइडे है, आज बहुत सारी मूवी रिलीज हो रहा है,
छोटा छोटा मूवी से ही लेकिन रिलीज हो रहा है। इस ऑक्यूपेंस से चाहे थे आराम से आज 18 करोड़ कमाई कर लेगा, मैं कन्फर्म हूँ। एंड वर्ल्ड वाइड आज फ्राइडे ओवरसीज में यूके ऑस्ट्रेलिया एंड मिडिल ईस्ट में बहुत सारे जगह छुट्टी है फ्राइडे के दिन, तो बहुत अच्छा कमाई होगा आज। तो आराम से आज टाइगर थ्री 330 करोड़ एंड 335 करोड़ कमाई कर लेगा, कोई बात नहीं। टाइगर थ्री हिट हो रहा है अब समझ के चलो, टाइगर थ्री आने वाले टाइम में ब्लॉकबस्टर भी होगा या पक्का लिख के रख दो। दोस्तों आने वाले टाइम में टाइगर थ्री का क्या होगा बॉक्स ऑफिस पे? दोस्तों कल यानी सैटरडे को टाइगर थ्री अपने लाइफ टाइम रन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला है, क्योंकि दोस्तों उससे बाद उसके बाद छुट्टी किसी भी जगह नहीं है, एकदम पूरा वर्क इंडिया आपको मिलेगा। और उसके बाद संडे को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है, वर्ल्ड का फाइनल, तो टाइगर थ्री के कलेक्शन में कमी आएगा। लेकिन टाइगर थ्री का जो सबसे ज़्यादा कमाई अपने लाइफ टाइम रन में करेगा वो सैटरडे को करेगा। सैटरडे को कितने कलेक्शन कर सकते हैं? तो आप पकड़ के चलो 25 से 28 करोड़ कमाई करेगा संडे को, यानी वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल होगा उस दिन तो कमाई होने से रहा। फिर भी कितना कलेक्शन कर सकते हैं? 15 से 16 करोड़ पकड़ के चलो मंडे, यानी अपना सेकेंड मंडे। सेकेंड मंडे में क्या हो सकता है? सेकेंड मंडे को आप पकड़ कर चलो 14 करोड़, उसके बाद ट्यूसडे को क्या होगा? ट्यूसडे को 12 करोड़, वेडनेसडे को क्या होगा? वेडनेसडे 10 करोड़ पकड़ चलो, थर्सडे 10 करोड़, फ्राइडे 9 करोड़, उसके बाद धीरे धीरे कलेक्शन कम होता जाएगा। तो टाइगर थ्री अपने लाइफ टाइम रन में इंडिया से, मैं समझता हूँ, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ आपको कि टाइगर थ्री इंडिया से नेट कलेक्शन करेगा 350 करोड़ नेट कलेक्शन कर लेगा। एंड वर्ल्ड वाइड टाइगर थ्री अपने लाइफ टाइम रन में 600 करोड़ आराम से ही कर लेगा या हंसते हंसते कर लेगा, इसमें कोई दौरा नहीं कि इसके पूरा नवंबर महीना खाली पड़ा है। जब तक एनिमल ना आ जाते हैं तब तक टाइगर थ्री अपने लाइफ टाइम रन में आराम से हंसते हंसते 600 करोड़ कमाई कर देगा। तो आप कैसे कह पाओगे कि टाइगर थ्री फ्लॉप डिजास्टर? ये तो बेवकूफ़ लोग ही कहेंगे ना टाइगर थ्री फ्लॉप डिजास्टर, क्योंकि टाइगर थ्री का बजट तो 300 करोड़ है और 600 करोड़ कमा लेगा, तो आप कैसे कहोगे? तो दोस्तों सब हेटर्स हेट मत कीजिए, बॉलीवुड को हेट क्यों करना है? सलमान खान को क्यों हेट करना क्यों है? अब टाइगर थ्री के कितने सारे लोग जुड़े हैं इससे, कितने सारे लोगों का संसार चलता है इससे, अब हेट क्यों करना चाहिए? अब हेट नहीं करना चाहिए। दोस्तों मेरा एक एपिसोड कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक बने रहिए मेरे चैनल में। थैंक यू फ्रेंड्स।